वेलकम टू आवर कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अम्मी सा रेसिपी बनाने वाली हूँ, सो लेट्स बिगिन। आज हम एक इंटरनेशनल डिश बनाने जा रहे हैं, रोस्टेड टर्की विथ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। ये डिश हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी होता है। इसके पहले भी मैंने टर्की का एक और रेसिपी शेयर किया था, जिसका लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में हम टर्की को मैरिनेट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे रोस्ट करेंगे और थर्ड पार्ट में हम स्टर फ्राइड वेजिटेबल बनाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए हुए मेरे इस वीडियो को बिगिनिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तो आपको सारा चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए बनाना स्टार्ट करते हैं रोस्टेड टर्की विथ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमने 400 ग्राम टर्की ब्रेस्ट मीट लोफ लिया हुआ है। अगर आपके पास अगर होल टर्की है तो मैं जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो सेम रेसिपी आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब मीट को मैरिनेट करने से पहले इसमें फोर्क से कुछ फ्रिक्वेंटली हमें प्रिक करते रहना है, ताकि मैरिनेट का जो मसाला है इसमें अच्छी तरह से घुस सके। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा विथ बेल आइकन, ताकि इसी तरह के नए नए रेसिपी वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। टर्की मीट को हमने सभी तरफ से फोर्क से पिक कर लिया है। अब हम इसका मैरिनेट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने एक बोल लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम्स बटर। मैंने बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके लिया हुआ है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून थाइम लीव्स। थाइम लीव्स जनरली सुपरमार्केट में या फिर ऑनलाइन स्टोर में इजीली मिल जाता है और ये ड्राइड फॉर्म में रहता है, तो मैंने इसे कुछ 1 घंटे तक पानी में सोक करके फिर इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसा करने से इस पत्ते का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा एनहेंस होता है। साथ ही साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रोजमेरी लीव्स। इसे भी मैंने सेम 1 घंटा तक सोक करके लिया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था। ऐसा करने से पत्ते का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसे भी मैंने सुपरमार्केट से परचेज किया था। मैं यहाँ पे केया ब्रांड का थाइम और रोजमेरी यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो कोई और ब्रांड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड पेपर्स। ये बॉटल भी मैंने सुपरमार्केट से परचेज किया था। इस बॉटल में 6 अलग अलग टाइप्स के पेपर्स होते हैं। अगर आपके पास अगर इस तरीके का अगर पेपर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल ब्लैक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ 1 टीस्पून के करीब करीब ये मिक्स्ड पेपर क्रश करके डाल दूंगी। अब इस डिश को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ड्राई रेड चिली पाउडर। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हो तो आप इस स्टेप को सिंपली स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें आधा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें बटर का यूज़ किया है और बटर में पहले से नमक होता है। अब हम इसे ब्लेंडर से तब तक विस्क करेंगे जब तक ये मैरिनेट जो है पूरी तरह से क्रीमी हो जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके का इसका कंसिस्टेंसी होगा। बिल्कुल इस लेवल तक हमें इसे ब्लेंड करना है। अब सिंपली ये मैरिनेट बटर को इस तरह से मीट में अच्छी तरह से लगा लेंगे। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में है तो ये थोड़ा सा जम गया है, क्योंकि हमने मेल्टेड बटर का यूज़ किया था। तो इसे लगाते लगाते ये थोड़ा थोड़ा पिघलने लगेगा, तो इसे अच्छी तरह से हमें इस तरह से स्प्रेड कर देना है। बटर अच्छी तरह से ये मीट में लग चुका है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे एक क्लिंग शीट से इस तरह से रैप कर देंगे और हमें इस मीट को सिंपली फ्रीजर में रख के कम से कम 12 घंटे के लिए मैरिनेट होने देना है। तो सपोज अगर आप अगर इसे दोपहर में बना रहे हो तो इसे आप रात को ही मैरिनेट करके रख दीजिए। मीट को हमने 12 घंटे तक मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसे बेक करेंगे, तो इसे सिंपली बेकिंग ट्रे में उतार लेते हैं। मीट के ऊपर हमने जो भी एक्स्ट्रा जो मैरिनेट बचा था उसे मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया। अब हम मीट के चारों तरफ से ऐड करेंगे एक लार्ज साइज टमेटो का रिंग्स और एक लार्ज साइज मैंने यहाँ पे अनियन रिंग्स लिया है और 2 गार्लिक को मैंने
हाफ हाफ करके कट करके लिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसके चारों तरफ से ये अनियन रिंग, टमेटो रिंग और ये गार्लिक बल्ब जो है डाल देंगे। ये सब डाल के अगर आप बेक करोगे तो इस मीट में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप होल टर्की बेक कर रहे हो तो आप टर्की के अंदर ये सारे वेजीज स्टफ कर दीजिएगा। हमारा टर्की रोस्ट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे रोस्ट करते हैं। सबसे पहले ओवन के ग्रिल मोड को ऑन करेंगे और 60 मिनट्स यानी कि एक घंटे का टाइमर सेट कर देंगे और इसे स्टार्ट कर देंगे। यानी कि हमें इसे एक घंटे तक ग्रिल करना है और 30 मिनट्स के बाद हमें इसे एक बार चेक भी कर लेना है। जब तक हमारा टर्की रोस्ट हो रहा है, इस बीच जो स्टर फ्राई वेजिटेबल है उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन को गैस में चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हमको पैन को गरम कर लेना है। पैन गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ लहसुन। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए येलो कैप्सिकम और बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए रेड कैप्सिकम। 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर दिया। 1 कप ब्रोकलीज बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए, 1 कप रफली चॉप्ड बॉक चॉय, 1/2 कप फ्रेंच बीन्स बड़े बड़े पीसेस में कट किए हुए। अब सारे वेजीज को कुछ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में टॉस करते करते फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और इसके बाद हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब करीब क्रश्ड ब्लैक पेपर कॉर्न्स और इसके बाद हमें इसे अगेन कुछ 30 सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है और उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये स्टर फ्राइड वेजीज रेडी हो जाएगा। वेजिटेबल को हमने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक कर लिया है, अब इसे हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में स्टर फ्राई करना है। उसके बाद ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। वेजिटेबल को आप ज़्यादा कुक ना करें वरना ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, तो इसे बस हल्का हल्का ही कुक करें। हमारा स्टर फ्राई वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है, इसे एक ड्राई प्लेट में उतार के हम रख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने टर्की मीट को टोटल 1 घंटा के लिए बेक किया है और बीच में यानी कि आधा घंटे के बाद मैंने इसे फ्लिप करके अगेन बेक किया था। तो आधा घंटा पहले बेक किया, उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से इसे पलट के फिर से आधे घंटे के लिए बेक किया, यानी कि टोटल 1 घंटे के लिए ये बेक हो चुका है। ये बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे टर्की मीट को इस तरह से कट करके सर्व कर रही हूँ। आप अगर चाहो तो इसे इसी तरह से पीस करके सर्व कर सकते हो। तो पहले हम टर्की मीट को सर्व करेंगे, उसके बाद हम स्टर फ्राइड वेजीज को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के बिगनिंग में मैंने मेंशन किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाली हूँ, तो जब भी आप कभी भी कोई भी मीट को रोस्ट करो तो बीच बीच में बटरिंग करना ना भूले। इससे क्या होता है ना, मीट का जो मॉइस्चर है मेंटेन रहता है। वरना अगर आप बीच बीच में अगर बटरिंग अगर नहीं करोगे ना तो आपका जो मीट है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और उतना वो टेस्ट नहीं बनेगा। तो एक परफेक्ट जूसी रोस्टेड मीट पाने के लिए आपको इसे बीच बीच में बटरिंग करना पड़ेगा। और दूसरा टिप्स ये है कि मीट के परफेक्ट स्लाइस पाने के लिए अपने नाइफ को बहुत ही ज़्यादा शार्प रखिए। और थर्ड और लास्ट टिप्स ये है कि आपका मीट का जो मैरिनेट है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मसालों का बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए, तो तब जाके आपका जो रोस्टेड मीट है बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब मैं टर्की मीट में कुछ ब्लैक पेपर जो है क्रश करके स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी, रोस्टेड टर्की मीट विद स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा ये डिश अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।